अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। आई एम सिद्रा जमील विद द लास्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, दैट इज एनर्जी बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में दो पार्ट्स हमने पढ़े, एक फोटोसिंथेसिस का पार्ट और एक सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट। सो रेस्पिरेशन में हमने बात की थी कि ग्लूकोज को एक्चुअली ब्रेक डाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ अ लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का मकसद यही है कि हमने वहां से एनर्जी गेन करनी है, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो जब ये ऑक्सीडाइज होती है तो इससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज CO2। और देखिए C6H12O6 में 12 हाइड्रोजन है और जो प्रोडक्ट बन रहा है CO2 उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इट्स मीन के जो ग्लूकोज है वो फुली फॉर्म में ऑक्सीडाइज होके एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सो इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन का फायदा क्या होता है? जस्ट टू गेन एनर्जी, ठीक है। इसमें जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ा ही इसलिए जाता है कि वहां से एनर्जी गेन की जाए, और फिर वो एनर्जी जो हमें मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और सम टाइम वो ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं होती, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है लाइक NADH। तो फिर यहाँ से हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना होता है कि हाउ मच ATP आर प्रोड्यूस, एंड दैट कैलकुलेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एनर्जी बजट, ठीक। इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हमने जो बात करनी है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक लेकिन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ATP तो प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं लाइक NADH एंड FADH2, ठीक है। इनको अगर खोला जाए तो ये बनता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, एंड FADH2 जो है दैट इज फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों एक्चुअली कोएंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन कैरिंग एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, और ये हाइड्रोजन को कैरी करके अपने पास बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। सो इस एनर्जी को यहाँ से निकालने के लिए इन्हें दोबारा से ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, यानी हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा जाता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है तो एक मतलब ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। सो एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी जब एक NADH का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा कि 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इसी तरह जब एक FADH2 का मॉलिक्यूल टूटेगा या ऑक्सीडाइज होगा तो वहां से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस प्रोसेस में या किस स्टेज पे कितने ATP एक्चुअली बनते हैं। 2 ATP बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में और 2 ही NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब इस NADH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारा जाए तो 2 3 6 होते हैं ना, यानी एक NADH से 3 बनेंगे तो 2 से 6 बनेंगे, तो 6 बनने चाहिए। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरता है तो 6 नहीं बल्कि हमारे पास 4 ATP आते हैं, और ये जो -2 है ये -2 उस वक्त होता है जब ग्लाइकोलाइसिस से ये प्रोसेस क्रेब्स साइकिल की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है और क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करने के लिए इस पाइरुविक एसिड को एनर्जी यूज करना पड़ती है, एंड दैट एनर्जी विल यूज इन द फॉर्म ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअली हमारे पास 8 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के, लेकिन 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो इस ट्रांसफर के दौरान यूज हो जाते हैं। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल हमारे पास 6 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, और आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, लेकिन वहां पे सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं नेट प्रोसेस में, क्योंकि ना तो वहां पे क्रेब्स साइकिल है और ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। NADH बनता तो है वहां पे भी, लेकिन इस NADH को ऑक्सीडाइज करने के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन में चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती, इसलिए इसमें जो एनर्जी बंद हुई भी है वो एनर्जी ऐसे ही रहती है, वो ATP की मॉलिक्यूल में वापस नहीं आती। देन हमारे पास है क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल की एंट्रेंस के दौरान 2 NADH के मॉलिक्यूल बन जाते हैं जो कि ऑब्वियसली हमें 6 ATP के मॉलिक्यूल देंगे।
देन जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो 6 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं और 2 डायरेक्ट ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, ये सारे की सारी एनर्जी गेनिंग जो है वो क्रेब्स साइकिल के दौरान होती है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो क्रेब्स साइकिल में हो जाती है। ठीक है, आपको पता है पाइरुविक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो टोटल 30 ATPs हमें यहाँ पे मिलते हैं। कैसे? ये हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके कंफर्म करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास जो NADH और FADH2 है ना, उनको एक्चुअली ऑक्सीडाइज करना है, तो जितनी एनर्जी उनके पास स्टोर है वो यहाँ से निकालनी है। जैसे आपके पास मैंने शायद पहले भी जिक्र किया हो कि एक तरफ आपके पास डायरेक्ट करेंसी नोट है और एक तरफ आपके पास जो है वो प्राइस बॉन्ड है। सो प्राइस बॉन्ड भी उतने ही हैं जितनी आपके पास करेंसी है, लेकिन प्राइस बॉन्ड को आप डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक कि वो करेंसी नोट में कन्वर्ट ना हो। इसी तरह से आपके सेल में जो डायरेक्ट करेंसी है वो ATP है, लेकिन जो इनडायरेक्ट है जो प्राइस बॉन्ड की फॉर्म में है, दैट इज NADH एंड FADH2, तो उसको करेंसी में कन्वर्ट करना है, एंड दैट कन्वर्जन इज कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH थे, वो 4 ATP देंगे, देने तो 6 चाहिए, लेकिन 4 इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करते हुए 2 ATP यूज हो जाते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन जब क्रेब्स साइकिल में एंट्री होती है तो 2 NADH बनते हैं जो कि 6 ATP देते हैं। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में 6 NADH बनते हैं जो कि 18 ATPs देते हैं। 6 3 18 ना, सो 2 FADH2 बनते हैं, तो 1 FADH2 से 2 ATP बनते हैं, तो 2 से कितने बनेंगे? 4। जब इन सबको टोटल करेंगे तो ये एक फ्लो चार्ट है, ये आपको बनाना भी आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए हमारे पास जो ग्लूकोज है, जैसे उसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, पाइरुविक एसिड बनता है, तो डायरेक्ट 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे नीचे लिख लिए गए। देन उसके साथ साथ 2 NADH बनते हैं। ठीक है, जब ये 2 NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं तो 4 ATP बनते हैं। ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि 4 क्यों है, 6 क्यों नहीं है। देन एंट्री के दौरान 2 NADH बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं तो 6 ATP बनते हैं। देन क्रेब्स साइकिल के दौरान 6 NADH बनते हैं, जब ये इधर से गुजरते हैं तो हमें 18 ATPs देते हैं। देन FADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें 4 ATPs देते हैं। सो इनको जब हम टोटल करेंगे, और 2 ATP के मॉलिक्यूल डायरेक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे 2 ATP ये 2 and 2 are 4, 4 and 4 8, 8 and 6 14, 14 and 18 आपके पास बन जाएंगे 32, एंड 32 + 4 = 36, यानी जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 36 ATPs बनते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।